तस्वीरें हैं चमोली जिले के किमाना गांव की। सड़क न होने के चलते यहां लोगों की बेबसी कंधों पर सवार होकर जाती हुई अक्सर दिखाई देती है। बल्लियों के सहारे जाती ये है किमाना की रहने वाली सुनीता देवी। अचानक तबियत खराब होने पर उन्हें डंडी कंडी के सहारे ही 12 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ लाया गया। इतना ही नहीं, सुनीता को तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी 12 वर्षीय लड़की की भी रात को अचानक तबियत खराब हो गई, लेकिन सड़क न होने के चलते मासूम को उपचार नहीं मिला और उसने घर पर ही दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें और ये पूरा घटनाक्रम आपको जरूर हैरान कर देगा, लेकिन यही सच्चाई है सुदूरवर्ती क्षेत्रों की। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा भी है। लोग कहते हैं कि सड़क होती तो शायद मासूम की जान बच जाती, लेकिन सड़क न होने के चलते कई जिंदगियां इसी तरह से दम आखिर कब तक तोड़ती रहेंगी। हेलंग दुमक मोटर मार्ग 2008 में स्वीकृत हो चुका था, लेकिन ठेकेदार और शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते आज तक यहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई। ऐसे में इन मजबूर ग्रामीणों के पास सिर्फ इंतजार ही एक उपाय है, जो कब खत्म होगा कह नहीं सकते। संवाद 365 के लिए जोशीमठ से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट।